नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की आज शाम बेंगलुरु में होने वाली बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत और यूरोपीय संघ को विशेष रूप से हिंद प्रशांत के संबंध में नियमित, व्यापक और स्पष्ट बातचीत की आवश्यकता है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE के 10वीं और 12वीं के नतीजे आज घोषित होंगे। चक्रवाती तूफान मोका के आज बांग्लादेश में कॉक्स बाजार के पास टकराने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 31 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की आज शाम बेंगलुरु में होने वाली बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। कल घोषित परिणामों में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 66 और जनता दल सेक्युलर को 19 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने इन चुनावों में 43% वोट हासिल किए हैं। पार्टी को पिछली बार 38.14% मत मिले थे। भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत 36% रहा। पार्टी को पिछले चुनाव में 36.35% वोट मिले थे। जनता दल सेक्युलर ने 13.3% वोट हासिल किए। इस बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कल राज्यपाल थावरचंद गहलोत को इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने इसे स्वीकार कर लिया है। इस बीच कल रात भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार CK रामामूर्ति को वोटों की दोबारा गिनती के बाद विजयी घोषित किया गया। उन्होंने 16 वोटों के मामूली अंतर से कांग्रेस की सौम्या रेड्डी को पराजित किया। जीतने वाले प्रमुख प्रत्याशियों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के HD कुमारस्वामी शामिल हैं। हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को हुबली धारवाड़ मध्य सीट पर भाजपा प्रत्याशी ने 34,000 से अधिक मतों से पराजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत पर बधाई दी है। उन्होंने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी को अपनी शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक चुनाव में भाजपा को समर्थन देने वाले लोगों का भी धन्यवाद किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कई वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर देने के लिए कर्नाटक के लोगों का आभार व्यक्त किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि उनकी पार्टी कर्नाटक की जनता के जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा लोगों की बेहतरी के लिए काम करती रहेगी और सक्रिय रूप से रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए उनकी आवाज बुलंद करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं, प्रदेश नेतृत्व और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्यों को इस जीत पर धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सामूहिक नेतृत्व ने इस विजय को संभव बनाया है। जनता ने हमको जिताया है और जनता ने एक भ्रष्ट सरकार को डिफीट दिया है, उनको हराया है। लेकिन हमको आगे बहुत कुछ करना है, वायदे हमको निभाना है, वो हम निभाएंगे। हमारी जो 5 गारंटी है, जिस गारंटी पे लोग विश्वास रख के उन्होंने हमको वोट दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने बेंगलुरु में कहा कि राज्य के लोगों का भारी समर्थन और पार्टी की 5 गारंटियों ने इस जीत में प्रमुख योगदान दिया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव परिणाम का विश्लेषण करेगी। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी will not only analyze and we'll see that what are the gaps and what are the deficiencies were there at different levels. We'll look into that and improve upon it and we'll take this result in our stride and we'll go ahead and reorganize the party and come back during Lok Sabha election. पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट के उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू जीत गए हैं। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस की करमजीत कौर को हराया। ये सीट कांग्रेस के संतोष सिंह चौधरी के निधन से खाली हुई थी। ओडिशा में झारसुगुड़ा विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल की उम्मीदवार दीपाली दास ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की तंकधारा त्रिपाठी को हरा दिया। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने स्वार और
96 विधानसभा सीटों का उपचुनाव जीत लिया है। राज्य में भाजपा गठबंधन में शामिल अपना दल सोने लाल ने दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित किया। उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने भारी जीत हासिल की है। पार्टी ने राज्य की सभी 17 महापौर सीटों पर विजय प्राप्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव और विधानसभा उपचुनाव में समर्थन देने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका और नगर पंचायत की अपनी पिछली बार के चुनाव में मिली सीटों को दोगुने से ज्यादा कर दिया, बल्कि मेयर की भी सभी सीटों पर कब्जा कर लिया। पहली बार पार्टी ने बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और इनमें से अधिकांश ने जीत हासिल की। इन नतीजों को योगी आदित्यनाथ सरकार की कानून व्यवस्था की नीति और गुड गवर्नेंस पर जनता की मुहर भी माना जा सकता है, क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने प्रदेश में अराजकता का आरोप लगाया था। इन नतीजों से निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हौसला बढ़ेगा, क्योंकि पूरे चुनाव प्रचार की कमान उनके हाथ में थी और उन्होंने प्रदेश में डबल इंजन के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार के नाम पर वोट मांगे और पार्टी को विजय रथ पर सवार कर दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ को विशेष रूप से हिंद प्रशांत को लेकर नियमित, व्यापक और स्पष्ट वार्ता करने की आवश्यकता है। स्वीडन के स्टॉकहोम में यूरोपीय संघ हिंद प्रशांत मंत्री स्तरीय वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि बातचीत केवल मौजूदा संकट तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में हो रहे परिवर्तनों पर यूरोपीय संघ को ध्यान देना होगा। डॉ जयशंकर ने नेताओं से वैश्वीकरण, हिंद प्रशांत और बाजार में भागीदारी का लाभ उठाने सहित 6 बिंदुओं पर विचार करने का आह्वान किया। वैश्वीकरण के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास के लिए प्रौद्योगिकी, व्यापार और वित्त से जुड़े मुद्दों में यूरोपीय संघ की भूमिका महत्वपूर्ण है। डॉ जयशंकर ने कहा कि हिंद प्रशांत वैश्विक राजनीति की दिशा का केंद्र बन रहा है। Indo-Pacific itself is increasingly central to the direction of global politics. Among the issues that it throws up are the problems inherent in the established model of globalization. Recent events have highlighted the problems with economic concentration as also the need for diversification. डॉक्टर जयशंकर यूरोपीय संघ हिंद प्रशांत मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए कल 3 दिन की यात्रा पर स्वीडन पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने कल स्वीडन, जापान, इंडोनेशिया और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE की 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम आज शाम 3 बजे घोषित किए जाएंगे। CISCE ने बताया है कि विद्यार्थी और अन्य हितधारक परीक्षा परिणामों को वेबसाइट CISCE.org और results.CISCE.org पर देख सकते हैं। परिषद ने बताया कि परिणामों से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए विद्यालय helpdesk@CISCE.org पर या फोन नंबर 1800-203-2414 पर संपर्क कर सकते हैं। विद्यार्थी व्यक्तिगत तौर पर अपने परिणाम की पुनः जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल होने के साथ प्रशासन और नागरिक संगठन अब राहत सामग्री के वितरण पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न हिस्सों में चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सुरक्षा बल दूसरे राज्यों से इम्फाल आने वाले ट्रकों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस बीच राज्य में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से आम लोगों की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। आज विभिन्न जिलों में कुछ घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। नौसेना और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने संयुक्त अभियान में केरल तट पर एक जहाज से लगभग 2500 किलोग्राम मादक पदार्थ मेथमफेटामाइन जब्त किया है। ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त का हिस्सा है। जब्त किए गए मादक पदार्थ का मूल्य 15,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मूल्य के हिसाब से ये किसी भी भारतीय एजेंसी की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। इस सिलसिले में एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया गया है। संभवतः ये मादक पदार्थ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से लाए गए थे। उत्तराखंड में 4 दिन का श्री अन्न महोत्सव कल से राजधानी देहरादून में शुरू हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाथीबर कला में
मोटे अनाज के इस महोत्सव का शुभारंभ किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चार दिन के इस उत्सव में राज्यभर के हजारों किसान हिस्सा ले रहे हैं। श्री अन्न महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री अन्न भारत में समग्र विकास का माध्यम बन रहा है और अब देश के प्रत्येक नागरिक भी इससे जुड़ रहा है। महोत्सव में मोटे अनाज के 100 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। गौरतलब है कि राज्य में जैविक कृषि के साथ साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के 11 जनपदों में इस वर्ष से आरंभ किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने 6400 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 796 लाख के कृषि मिशन कार्यक्रम के संचालन की स्वीकृति भी दी है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवात मोका बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्व में बना हुआ है। इसके पूर्वोत्तर की ओर बढ़ने और दक्षिण पूर्व बांग्लादेश तथा उत्तरी म्यांमार के समुद्र तट को पार करने की संभावना है। इसके कारण देश के पूर्वोत्तर भागों और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा हो सकती है। उधर बांग्लादेश सरकार ने कहा है कि बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान मोका सुपर साइक्लोन में तब्दील नहीं हो रहा है क्योंकि हवा की गति कम हो गई है। इसके आज कॉक्स बाजार के पास टकराने की संभावना है। अजरबैजान के बाकू में विश्व कप निशानेबाजी में हृदय हजारिका और नैन्सी मंदोत्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीत लिया है। 21 वर्षीय हजारिका ने और 19 वर्षीय नैन्सी का ये पहला विश्व कप पदक है। इन दो पदकों के साथ विश्व कप में भारत की पदकों की संख्या 4 हो गई है। चीन में सुधीरमन कप मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में आज भारतीय टीम पहले मुकाबले में चीनी ताइपे के साथ खेलेगी। भारतीय टीम का नेतृत्व पीवी सिंधु और एचएस प्रणय करेंगे। भारत चीनी ताइपे मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्रुप में है। भारत ने सुधीरमन कप में अब तक कोई पदक नहीं जीता है। भारतीय टीम 2011 और 2017 में क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी। आईपीएल क्रिकेट में कल पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 31 रन से और लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। आज दोपहर 3:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बंगलौर से और शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद विशाल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम आज के सभी समाचार पत्रों की पहली खबर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, कांग्रेस की जोरदार जीत, पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में की वापसी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, कांग्रेस के हाथ आया कर्नाटक, बीजेपी के हाथ से एकमात्र दक्षिण राज्य भी खिसका। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत को भी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। पहली बार सभी 17 निगमों में भाजपा के मेयर, महापौर के लिए सपा बसपा और कांग्रेस का खाता तक भी नहीं खुला। उपचुनाव नतीजों पर भी अखबारों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, जालंधर लोकसभा सीट उपचुनाव पर रिंकू जीते, लोकसभा में खुला आपका खाता। भारतीय कुश्ती संघ के सभी पदाधिकारियों पर प्रतिबंध की खबर दैनिक भास्कर में है। भारतीय ओलंपिक संघ ने आदेश जारी कर सभी पदाधिकारियों के प्रशासनिक और आर्थिक कार्यों पर लगाई रोक। इस पर नवभारत टाइम्स का कहना है, भारतीय कुश्ती संघ की कमान अब एडहॉक कमेटी के हाथों में। जम्मू कश्मीर के बारामूला के उरी सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ नाकाम। दैनिक जागरण के अनुसार सेना की त्वरित कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर। G20 सम्मेलन से पहले आतंकी हमले का था पाक का बड़ा षड्यंत्र। कोची तट के पास पाकिस्तानी नाव से करीब 2,500 किलोग्राम प्रतिबंधित ड्रग्स जब्त किए जाने का समाचार दैनिक भास्कर सहित कई अखबारों में है। भारत विरोधी अभियान का मुकाबला करें पूर्व नौकरशाह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के शब्द जनसत्ता में हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में सेवानिवृत्त नौकरशाहों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शुरू की पोस्ट रिजल्ट काउंसलिंग। राजस्थान पत्रिका के अनुसार प्रशिक्षित परामर्शदाता, प्रधानाचार्य और मनोवैज्ञानिक परीक्षा परिणाम के बाद होने वाली चिंता और तनाव के बारे में करेंगे काउंसलिंग। धन्यवाद रवि। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक कांग्रेस में विधायक दल की आज शाम बेंगलुरु में बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत और यूरोपीय संघ को विशेष रूप से हिंद प्रशांत के संबंध में नियमित, व्यापक और स्पष्ट बातचीत की आवश्यकता। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ISCE के 10वीं और 12वीं के नतीजे आज घोषित होंगे। चक्रवाती तूफान मोका के आज बांग्लादेश में कॉक्स बाजार के पास टकराने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 31 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।